दोस्तों हम आ चुके हैं सीबी की वेबसाइट पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 जुलाई की ये पब्लिक नोटिस आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी 1 और 2 जुलाई को यहाँ पर देखिए, पब्लिक नोटिस, क्वार्टर नोटिस इन द मेट्रो पीएसएल लिमिटेड। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला ही पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिस पर आरएम लोढ़ा जी ने एक संदेश, एक चेतावनी सूचना आप लोगों तक पहुंचाई है, जो इस प्रकार है। मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। यदि आप भी चाहते हो अपने मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा आप भी इस नोटिस को खुद पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं अभी आपको इसमें हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ कि ये आरएम लोढ़ा जी ने एक नोटिस भेजा है जो आप लोगों के लिए है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि केवल यदि आपका कोई पैसा देगा तो वो चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा के द्वारा ही मिलेगा और कोई इसका पैसा नहीं दे सकता। तो कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कराई जा रही थी, कुछ डाटा लिया जा रहा था, कौन ले रहा था, वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हिंदी ट्रांसलेट इसका देख लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों सेबी की एक नई नोटिस आया है, नया अपडेट आया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अभी अभी मैंने सेबी की वेबसाइट के ऊपर आपको वो नोटिस दिखाया, मगर वो इंग्लिश में था जो आपकी समझ में नहीं आ सकता। मैं आप लोगों को इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। आप लोगों के याद होगा कि जन लोग प्रतिष्ठान ने आप लोगों से आपका डाटा मांगा था, आप लोगों से कहा था कि एक पोर्टल स्टार्ट किया था जो अभी भी सक्रिय है और उस पर आप लोगों से आवेदन प्रक्रिया और अपना डाटा और साथ में कुछ अमाउंट भी ले रहे थे। उसी के संबंध में आरएम रिटायर्ड लोढ़ा जी ने एक संदेश दिया है। एक हमारे एनएमजी भाई का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि आप जनलोक प्रतिष्ठान की इस पोर्टल पर जाकर के अपने डाटा दे सकते हैं और वे आपको जो भी संशोधन है वे आपको कराएगी, आपका पैसा वापसी कराएगी, कुछ इस तरह का पोर्टल था। जबकि मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है, यदि आपका पैसा कोई देगा तो वो है आरएम लोढ़ा, आरएम लोढ़ा कमेटी द्वारा ही पीएसएल का पैसा वापसी होगा और कोई पैसा नहीं देगा। यहाँ तक कि पीएसएल मैनेजमेंट भी इतने आपका पैसा नहीं देगी, केवल आरएम लोढ़ा के द्वारा ही आप लोगों का पैसा वापसी होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। कोई संगठन इन फ्यूचर यदि आपको कहता है कि आप हमें अपना डाटा दे दीजिए, या कोई और व्यक्ति कहता है कि आप लोग हमें बताइए, अपनी पॉलिसी नंबर बताइए, हमें अपनी डिटेल्स बताइए, कितनी पॉलिसी है, कितना पैसा आपका है, तो आप उस बात को लीक मत कीजिए, अपनी डिटेल को लीक मत कीजिए। हो सकता है इन फ्यूचर आगे भविष्य में चलकर आपके बॉन्ड का कुछ गलत फ़ायदा उठाया जाए या आपके उन नंबर्स का कुछ गलत फ़ायदा उठाया जाए। इस वजह से आप लोगों के लिए आरएम लोढ़ा जी ने सेबी की वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी किया है जो इसी बात को लेकर है कि जो जनलोक प्रतिष्ठान आप लोगों से आवेदन मांग रहा था वो आवेदन आप लोग ना करें। मैं आपको पढ़ करके बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ लिखा है और किस तरीके से लिखा है और क्यों लिखा है, ये भी सब कुछ पूरी डिटेल उन्होंने दी है। एक चेतावनी सूचना लिख करके दी है कि एनएमजी चैनल द्वारा दिखाया गया था, तो उसमें आप लोगों से पैसे भी देने को कहा गया था और बहुत सारे लोगों ने किए भी है, पैसा भी जमा किया है, क्योंकि आप लोगों को पैसा चाहिए। आप लोग ये सोचते हो कि 10-20-100 रुपए का कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन सपोज़ कीजिए जनलोक प्रतिष्ठान ने जब ये कहा और आप लोगों से पैसा भी वो ले रहा है तो उनके पास कितने पैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं। आपको वो फ़ायदा पहुँचाए या ना पहुँचाए, मगर उन लोगों का ज़रूर फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा। अब मैं ये नहीं कहता जनलोक प्रतिष्ठान ने क्यों मांगा, किस लिए मांगा, उनका क्या औचित्य है, उनका क्या बेनिफिट होने वाला है, मगर मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आप किसी को भी अपना डाटा ना दें। उसी के रिगार्डिंग जब वीडियो देखी होगी आरएम लोढ़ा जी ने, तो आप लोगों के लिए वही सूचना भेजिए जिससे कि आप लोग कहीं फंस ना जाओ। आप लोगों का पैसा तो पहले ही फंसा हुआ है और बाकी पैसा भी आप लोगों का कहीं उसमें ना फंस जाए, आप पैसा निकालने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो और जेब से भर दे। तो आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी को भी कोई सूचना नहीं देनी है, कोई डिटेल्स नहीं देनी है। केवल जब भी सूचना देनी है अपने बॉन्ड के बारे में, अपने पैसे के बारे में,
जो अपडेट सेबी की आती है केवल उसी के आधार पर देने हैं और कुछ भी आपको नहीं देना है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ वो सूचना जो आरएम लोढ़ा जी ने आप लोगों के लिए भेजी है, उसमें क्या लिखा है हिंदी ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना ही वीडियो शेयर कर रहे हो। हर किसी का फ़ायदा होना चाहिए, पीएसएल के जितने भी निवेशक है सभी का फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए से हम आपसे बार बार कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जितने भी आपके मित्रगण हैं उन सभी तक ये सूचना पहुँचा दीजिए जिससे कि उनका फ़ायदा हो जाए। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ और वो नोटिस पढ़ करके आपको बता देता हूँ, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सेबी की वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको एक एक शब्द पढ़ करके इसमें बताऊँगा। ये पहले तो आप डेट देख लीजिए, डेट 2 जुलाई 2020 की है, ये इंग्लिश में है और इसके नीचे हिंदी में है। ये चेतावनी सूचना है जो सेबी ने दी और नीचे लिखा हुआ है नोडल ऑफिसर कम सेक्रेटरी जस्टिस रिटायर्ड आरएम लोढ़ा कमेटी इन द मैटर ऑफ पीएसएल लिमिटेड। इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। समिति को जानकारी मिली है कि एक एनएमजी द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया है 5 जून 2020 को यूट्यूब पर राजस्थान एक पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सूचित करता है। जनलोक प्रतिष्ठान और निवेशकों को इसको उपयोग करके अपने दावे के आवेदन को अपलोड करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन उक्त मोबाइल ऐप जनलोक प्रतिष्ठान पीएसएल डाटा गूगल पर उपलब्ध है प्ले स्टोर और दावा किया गया है इसमें जनलोक प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। मोबाइल ऐप 26 मई 2020 से सक्रिय हो गया है और आगे ऐप का एकमात्र उद्देश्य पीएसएल के निवेशकों को पीएसीएल से उनके कारण उनके दावों को ठीक करने में मदद करने का दावा किया गया है। कृपया ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 फरवरी 2016 के आदेश के अनुसार पीएसीएल के निवेशकों को रिफंड को प्रभावित करने का काम अकेले ही सौंपा गया है। नंबर 13301/2015 और जुड़े हुए मामले और कोई अन्य व्यक्ति संस्था पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों से रिफंड भुगतान को प्रभावित करने के लिए दावों को आमंत्रित एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं है। उपरोक्त के मद्देनज़र बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से सावधानी बरती जाती है और पीएसएल लिमिटेड की योजनाओं में रिकॉर्ड किए गए पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने निवेश के रिकॉर्ड या शेयर दस्तावेजों के साथ भाग नहीं लेने की सलाह दी जाती है। पीएसएल लिमिटेड के मामले के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए वेबसाइट पर अपलोड और उपलब्ध सभी सामग्री www.sebi.gov.in पर अकेले भरोसा किया जा सकता है। नोडल ऑफिसर कम सेक्रेटरी जस्टिस रिटायर्ड आरएम लोढ़ा की तरफ से ये चेतावनी सूचना दी गई है। नमस्कार, मेरे भारत देश के सभी पीड़ित साथियों को, मैं एडवोकेट अमितकर। साथियों, लॉकडाउन के समय में काफ़ी लंबे समय तक हम लोग घर पर हैं, व्यापार की स्थिति भी चौपट लगभग हो चुकी है, अधिकतर नौकरियां भी लोगों की जा चुकी हैं और पिछले 5 वर्षों से चिटफंड कंपनियों के निवेशक पल्स सहारा रोज वैली क्विल न जाने कितनी कंपनियों के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों के लिए। मैं पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने पहले हम लोग, मैं रविशंकर गौतम जी, रामदेव गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिले, जनित याचिका के लिए हम लोगों ने बात की, क्योंकि 2 फरवरी 2016 को जो निर्णय हुआ था उसके बाद आज तक हम लोगों का पैसा नहीं मिल पाया, सभी लोग घुरा करने में लगे हुए हैं। साथियों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग यदि हमारा साथ देना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे सभी जिलों के साथी अपना नाम और अपने जिलों की सूचियां तैयार करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। और उन सीनियरों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी जिले के रहे हों सीनियर, जो आज हमारा साथ नहीं दे रहे, पूर्व में भी साथ नहीं दिया और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आज भी लोगों को गुमराह करके
एज ए सीनियरों को भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, सुप्रीम कोर्ट में तो हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन हम कंपनी के मैनेजमेंट को और उन सीनियरों को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं ये आखिरी चेतावनी आज देना चाहता हूँ कि उन सीनियरों को, चाहे वह आगरा मंडल के रहे हो, चाहे मैं इलाहाबाद मंडल के रहे हो, चाहे मैं गोरखपुर मंडल के रहे हो, जहाँ के भी सीनियर्स होंगे और जो साथ नहीं दे रहे देंगे, उनकी उनके घर पर जाकर पूरे बल के साथ वह हालत की जाएगी जो आज तक उन्होंने सोची नहीं होगी। और यही मैं इस चेतावनी निर्मल सिंह भंगू और उनके चमचों को देना चाहता हूँ जो आज भी छुपकर बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो पल्स निवेशकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको भी आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप जल्द से जल्द इस प्रकरण को नहीं निपटाएंगे तो आप अपनी बिल्डिंगें नहीं बचा पाएंगे। ये मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।